You are welcome in 7th September English literature. We will discuss through the main ideas, symbolism, symbolic significance, symbols, the stranger, in outsider. Now, there is irrationality of universe. Main theme, main idea is that irrationality of everything. We can say that irrational approach. The irrationality of the universe through, though The Stranger is a work of fiction, it contains a strong resonance of Camus' philosophical notion of absurdity. In his essays, Camus asserts that individual lives and human existence in general have no rational meaning in order. वो कह रहा है कि कोई rational meaning है ही नहीं है, लेकिन फिर भी anyhow, because people have difficulty in accepting this notion, they constantly attempt to identify or create rational structure and meaning in their lives. The term absurdity we have already discussed. Existentialism describe humanity's futile attempt to find rational order where none exist. Maslow has no discernible reason for his actions. उसके पास कोई भी सॉलिड सबूत नहीं है, रीज़न ही नहीं है जो कुछ उसने अमल किया अपनी पूरी ज़िंदगी में. जिस तरह के मेन उसके दो काम थे, एज हिज डिसीजन टू मैरी मैरी कि वो मैरी के साथ शादी करे, एंड हिज डिसीजन टू किल द अरब, और क्या वजह थी कि उसने अरब को मर्डर कर दिया. दोनों चीज़ें उसने काम किए हैं ज़िंदगी में बड़े बड़े, और इसके पीछे कोई रीज़न नज़र ही नहीं आती, क्या वजह थी. सोसाइटी नॉनथलेस अटेम्प्ट्स टू fabricate or impose rational explanations for Maslow's irrational actions. Society का जो रहना सहना है, जो social impact है, वो उसके actions में कहीं भी दिखाई नहीं देता. The idea that things sometimes happen for no reason and that events sometimes have no meaning is disruptive and threatening to society. अगर इसी तरह के लोग बसने लग गए और इसी तरह के notions को follow करना शुरू कर दिया, तो फिर society को बहुत बड़ा threat है. फिर तो society disperse हो जाएगी, बिखर जाएगी. जो एक रابطे और जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे. अगर माँ ही बच्चे के साथ प्यार में नहीं है, बच्चा ही माँ के साथ प्यार में नहीं है, तो किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता. इसकी बात तो बाद में आती है. एक इंसान खुदा के साथ ही लॉयल ही नहीं है, इट मीन्स कि वो अपने साथ ही लॉयल नहीं है. तो इतना अजीबोगरीब कैरेक्टर जो है, वो सोसाइटी में रहने के काबिल ही नहीं है. उसको उठा के सोसाइटी से बाहर आउटसाइडर के तौर पे डील किया जा सकता है. The trial sequence in part 2 of the novel represents society's attempt to manufacture rational order. Rational approach discuss ki ja rahi hai. The prosecutor and Maslow's lawyer both offer explanations for Maslow's crime that are based on logic. Logic hai bhai ki usne crime kiya hai. वो murder karna chahta tha ya nahi chahta tha. Usse unintentionally hua. उसके पास गुस्सा था या उसके जहन में क्या चीज़ थी या उसके हाथों से जो है मर्डर हो गया. ये कोई भी लॉजिक जो है वो क्राइम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. व्हाट इज डन दैट इज डन. सो देयर इज नो लॉजिक. अगेन रीजंस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन एंड द कंसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड हियर. कॉज है, इफेक्ट है, जब भी तो ये एक्शन हुआ. येट दीज एक्सप्लेनेशंस हैव नो बेसिस इन फैक्ट एंड सर्व ओनली एज अटेम्प्ट टू डिफ्यूज द फ्राइटनिंग आइडिया दैट द यूनिवर्स इज इरेशनल. द एंटायर ट्रायल इज देयर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्डिटी. द थीम ऑफ एब्सर्डिटी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द नॉवल. एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू इम्पोज रैशनैलिटी ऑन एन इरेशनल यूनिवर्स. कि हम इरेशनल यूनिवर्स के ऊपर रैशनैलिटी को कैसे लगा सकते हैं. द मीनिंग लेस
टू ह्यूमन लाइफ या मीनिंगलेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ मीनिंगलेस नहीं है. ह्यूमन लाइफ जो है वो आने वाली ज़िंदगी के लिए एक तैयार करदा खेती है. जो हम यहाँ पे प्लांट करेंगे हम उसी को ग्रो करेंगे. लेकिन मैसो इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस नोशन. इसी के ऑब्जर्विटी जो है ये इसी के ऑपोजिट है. द मीनिंगलेस ness of human life, a second major component of Camus' absurdity philosophy in the idea that human life has no redeeming meaning or purpose. Kehta hai iska maksad hi koi nahi hai. Ek insaan zindagi mein aata hai, zindagi guzarta hai, mar jata hai, kya kiya usne? Nothing he has done. Uska koi maksad hi nahi. Aur बगैर मकसद के कोई जो है ना, हम कहते हैं कि ज़िंदगी ही नहीं होती. वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट नोशन पे काम कर रहा है. उसको ही एब्जर्डिटी कहते हैं. कैमस आर्ग्यूज दैट द ओनली सर्टन थिंग इन लाइफ इज द इनएविटेबली ऑफ डेथ एंड बिकॉज ऑल ह्यूमन विल एवेंचुअली मीट डेथ. वो कहता है मर तो जाना है, क्या फ़ायदा फिर कुछ करने का. ऑल लाइफ्स आर ऑल इक्वली मीनिंगलेस. वो कहता है जब मर ही जाना है तो जिंदगी बेमानी है, इसका कहीं भी कोई फायदा है ही नहीं. दिस इज कॉल्ड एब्सर्डिटी. मैसो ग्रेजुअली मूव्स टूवर्ड्स दिस रियलाइजेशन थ्रू आउट द नॉवल बट ही डजंट फुल्ली ग्रैस्प इट अंटिल आफ्टर हिज आर्ग्यूमेंट विद द चैपलन इन द फाइनल चैप्टर. जैसे ही वो आखिरी वाले चैप्टर में चैपलन से मिलता है तो उसके आइडियाज़ जो हैं वो शफल करते हैं. उसके अंदर प्रिक ऑफ कॉन्शियस जो है उसके माइंड और कैरेक्टर को झिंझोर देता है. मैसो रियलाइजेस दैट जस्ट एज ही इज इनडिफरेंट टू मच ऑफ द यूनिवर्स सो इज द यूनिवर्स इन डिफरेंट टू हिम. कहता है जिस तरह मैं लापरवाह हूँ, मैं इसीलिए लापरवाह हूँ कि सारी दुनिया ही मेरे से लापरवाह है. जब मदर ही मुझे मोहब्बत ही करती तो मैं उसको क्यों मोहब्बत करूँ. इसी तरह वो इसी चीज़ की एप्लीकेशन वो हर चीज़ पे करता है, खुदा से लेके अपनी गर्लफ्रेंड तक, अपनी वाइफ तक, अपने नेबर्स तक, अपने रिलेशंस में, हर चीज़ पे वो कहता है कि मैं हर चीज़ से लापरवाह हूँ. वो अपने आप को शुतर बेमहा आज़ाद करना चाहता है. यही एब्सर्डिटी का थीम है. लाइक ऑल पीपल मैसो हैज़ बीन बॉर्न विल डाई एंड विल हैव नो फर्दर इम्पोर्टेंस. वो कहता है बाकी जिस तरह लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, मैं भी मर रहूँगा, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी कोई अहमियत है ही नहीं. जब ख़त्म ही हो जाना है तो फिर करना कुछ किस लिए करना. पैराडॉक्सिकली ओनली आफ्टर मैसो रीचेस दिस सीमिंगली डिसमल रियलाइजेशन इज ही एबल टू अटेन हैप्पीनेस. इस तरह से उसको ना खुशी मिलती है. कहता है बस ठीक है, अब मैं आज़ाद हूँ, मैं जहाँ जैसे जिस तरह चाहूँ जो चाहूँ करूँ, कत्ल करूँ किसी को. हद सबसे ज़्यादा ब्रूटल फैक्ट जो है ज़िंदगी का एक्ट जो है वो कत्ल ही है ना. उसको इस पे करने में भी हैप्पीनेस फील हो रही है. व्हेन ही फुली कम्स टू टर्म्स विद द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ ही अंडरस्टैंड्स दैट इट डजंट मैटर वेदर ही डाइज बाय एग्जीक्यूशन और लिव्स टू डाई अ नेचुरल डेथ एट एन ओल्ड एज. कहता ओल्ड एज में मैंने मरना ही है ना जाके, क्या फ़ायदा है अगर ये मुझे फांसी दे दें या मुझे मार दें, या मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैंने मर ही जाना है. मैंने कौन सा बचे रहना है अगर ये मुझे नहीं भी मारेंगे, मुझे कत्ल की सज़ा में फांसी नहीं भी देंगे, तो मैंने फिर भी कौन सा जिंदा रहना है, मैंने मर ही जाना है. तो लिहाजा उसके आइडियाज़ ही अजीब और एब्जर्ड से हैं. दिस अंडरस्टैंडिंग एनेबल्स मैसो टू पुट असाइड हिज फैंटसीज ऑफ एस्केपिंग एग्जीक्यूशन बाय फिलिंग अ सक्सेसफुल लीगल अपील. वो लीगल अपील करने के लिए भी इसीलिए एग्रीमेंट नहीं साइन करता है कि मैंने मर तो जाना है. ही रियलाइजेस दैट दीज इल्यूजरी होप्स, ये सारी की सारी जो है ना फजूल उम्मीदें हैं, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ. वो इसको एक्सेप्ट करने के काबिल ही नहीं है. विच हैड प्रीवियसली ऑक्यूपाइड हिज माइंड. पहले भी उन्होंने इन चीज़ों ने उसके दिमाग को जकड़ा हुआ था, अभी भी उसका कॉन्शियस जो है इसी शिकंजे में फंसा हुआ है, ऑक्यूपाई हुआ हुआ है. विद डू लिटल मोर देन क्रिएट इन हेम अ फॉल्स सेंस दैट डेथ इज अवॉइडेबल. वो कहता कोई ऐसी चीज़ है कि हम ना मरे, नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता. द विल ऑफ जो है गॉड इज एवर डन. तुम हमने मर ही जाना है. तो एनी हाउ वो गॉड को यकीन तो रखता ही नहीं है. उसको तो पता ही नहीं है कि डे ऑफ जजमेंट ही विल सी द गॉड. उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है. वो कहता है कि बस जिंदगी है और ख़त्म हो जानी है, हम इसमें बेबस हैं.
मैसो सीज दैट हिज होप फॉर सस्टेन्ड लाइफ हैज़ बिकम अ बर्डन. उसके लिए ज़िंदगी एक वबाल और अजीब अजाब बनी हुई है. हिज लिब्रेशन फ्रॉम हिज फॉल्स होप मीन्स ही इज़ फ्री टू लिव लाइफ फॉर वट इट इज़ एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज रिमेनिंग डेज. वो कहता है मैं ज़िंदगी आज़ादी से गुजारूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं जिधर चाहूँ अपनी गाड़ियाँ चलाऊँ, जिधर चाहूँ लोगों को कत्ल करूँ, जो मेरे हाथ में है मैं लिबर्टी फील करूँ. लिबरलिज्म के ऊपर वो मुकम्मल जो है वो बिलीव कर रहा है. यही चीज़ उसको एब्सर्डिटी में लेकर गई है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड. अब वो फिज़िकल वर्ल्ड के इंसान का वजूद है इस दुनिया में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है और बाकी के लोग भी मौजूद हैं और ये सारे के सारे टाइम स्पेन के पाबंद हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास कि हम वक्त के पाबंद हैं, हम अपने आप को वक्त से निकाल नहीं सकते. सपोज अगर एक शख्स आज से 200 साल पहले था और वो तारीख में उसका नाम था, वी कैन नॉट गो इन द शेक्सपीरियन वर्ल्ड नाउ. हम स्पिरिचुअली और किताबों में और हिस्ट्री में पढ़ के तो जा सकते हैं, लेकिन हम फिजिकली उसके वर्ल्ड में नहीं जा सकते. तो जो इंसान फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो एक्शन कर लेता है वो तारीख में उसी के नाम से लिख दिया जाता है. लेकिन इसकी एब्सर्डिटी में ये चीज़ है ही नहीं. वो कहते हैं जब मैं ख़त्म हो गया तो तारीख भी ख़त्म हो गई, जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया. अजीब सा अकीदा है उसका. ना उसको मोहब्बत पे यकीन है, ना उसको आखरत पे यकीन है, ना उसको अल्लाह की इबादत पे यकीन है, ना उसको अपने वजूद पे यकीन है, ना रिश्तों के ऊपर कोई एतबार है. वो ज़िंदगी को ऐसे देखता है दैट इट इज़ गोइंग ऑन एंड विल बी गोइंग ऑन. लेकिन जो इंसान है वो आज पैदा हुआ है, कल ज़िंदगी गुजारेगा और फिर मर जाएगा. कुछ और है ही नहीं. जब कुछ है ही नहीं तो मैं करूँ क्या. यहाँ पे यही आइडिया जो है वो डिस्कस हुआ है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. द स्ट्रेंजर शोज मैसोस टू बी इंटरेस्टेड फॉर मोर इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम देन इन इट्स सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स. दिस फोकस ऑन द सेंसेट वर्ल्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉवल्स एसर्शन दैट देयर एग्जिस्ट नो हायर मीनिंग और ऑर्डर टू ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ को वो किसी भी ऑर्डर में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. थ्रू आउट द स्ट्रेंजर मैसो अटेंशन सेंटर्स ऑन हिज ओन बॉडी. उसे सिर्फ अपना जिस्म अजीज है, उसी का सुकून, उसी का आराम, उसी की रिलैक्सेशन और उसी की तमाम ज़रूरतें हैं उसके पास. ऑन हिज फिजिकल रिलेशनशिप विद मैरी, ऑन द वेदर एंड ऑन अदर फिजिकल एलिमेंट ऑफ हिज सराउंडिंग्स. इवन वेन देर इज़ द डिस्कशन ऑफ मैरी दैट ही वॉज बिजी ऑन द सी शोर विद द मैरी एंड देयर द फ्यूनरल ऑफ हिज डियर मदर वॉज गोइंग ऑन. मदर वॉज नॉट डियर. ही हैज़ डियर रिलेशन विद हिज फिजिकल अप्रोच ओनली रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज ओन बॉडी. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट ड्यूरिंग द हीट ड्यूरिंग द फ्यूनरल प्रोसेशन कॉजेज मैसो फार मोर पेन देन द थॉट ऑफ बरिंग हिज मदर. उसको ये नहीं पता कि उसकी माँ जो है वो दफन हो रही है, इस चीज़ की तकलीफ़ उसे फील नहीं हो रही, बल्कि ये हो रहा है कि ओहो मैं फ्यूनरल के साथ जा रहा हूँ, धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पे, मेरा हुस्न ना ख़राब हो जाए, मैंने जो है ना धूप में चलना है, मुझे ये मुश्किल है. तो इसी वजह से वो फ्यूनरल को ही छोड़ देता है. उसको बैरी करने के लिए मामा को वो जाता ही नहीं है, उसको सिर्फ अपना जिस्म अजीज है. द सन ऑन द बीच टॉर्मेंट्स मैसो. जबकि वो जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पे है और वो गर्म रेत को एंजॉय कर रहा है तब उसको बड़ा सुकून मिलता है. द थिंग इज़ कि सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन जो है वो अजीज है. अजीब वरीब सा एब्जर्ड सा कैरेक्टर है. एंड ड्यूरिंग हिज ट्रायल मैसो इवन आइडेंटिफाइज हिज सफरिंग अंडर द सन एज अ रीजन ही किल्ड द अरब. द स्टाइल ऑफ मैसोस नरेशन आल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज इंटरेस्ट इन द फिजिकल. नंबर वन, दो ही ऑफर्स टर्स प्लेन डिस्क्रिप्शंस व्हेन ग्लोसिंग ओवर इमोशनल और सोशल सिचुएशंस हिज डिस्क्रिप्शंस बिकम विविड एंड ऑर्निट. तब तो उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वाजिया क्लियर और टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं जब वो फिजिकल अप्रोच को एनहेंस करता है और उसी को सपोर्ट करता है. व्हेन ही डिस्कसेस टॉपिक्स सच एज नेचर एंड द वेदर. जब वो नेचर और वेदर को डिस्क्राइब करता है तो सारी की सारी, ही इज़ नॉट एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, ही इज़ नॉट एंजॉइंग दैट अल्लाह ताला ने, खुदा ने, गॉड ने ये इतना कुछ हमें बना के दिया, बल्कि वो नेचर में सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल रेस्ट, फिजिकल सेटिस्फेक्शन और फिजिकल आराम को ही देखता है. यही उसकी फिजिकल अप्रोच है.
सिंबलिज्म, सिंबल्स, द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम जो है ये एक सिंबल है, इसमें इंसाफ है, इसमें इंसान जाके अपनी ज़िंदगी की उम्मीद बनाता है। लेकिन कैमो के पास ऐसा कोई जो है मसला नहीं है, उसके आइडियाज़ ही डिफरेंट है। इन द कोर्ट रूम ड्रामा दैट कंप्राइज द सेकेंड हाफ ऑफ द स्ट्रेंजर, द कोर्ट सिंबलाइज सोसाइटी एज अ होल। कोर्ट कोर्ट नहीं होती, पूरी सोसाइटी को डिपिक्ट करती है, पूरा मुआशरा इसमें होता है। द लॉ फंक्शंस एज द विल ऑफ द पीपल एंड द ज्यूरी सिट्स इन जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहे होते हैं, कोर्ट मजाक नहीं होती है। इन द स्ट्रेंजर, लेकिन जो हमारा हीरो है जनाब एल्बर्ट कैमू, स्ट्रेंथन्स दिस कोर्ट एज सोसाइटी सिंबल बाय हैविंग नियरली एवरी वन ऑफ द माइनर कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवल अपीयर्स एज अ विटनेस इन द कोर्ट रूम। उसके पास सारे के सारे सबूत के तौर पे मौजूद हैं, और अगेन एब्सर्डिटी का जो है आइडिया उसमें है, और ये एक सिंबल के तौर पे पेश किया जा रहा है कि आल्सो द कोर्ट अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेना चाहती है फॉर मैसोस क्राइम सिंबलाइजेस ह्यूमैनिटी अटेम्प्ट्स टू फाइंड रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर द इरेशनल इवेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। यही पूरे नावल का आप कह सकते हैं कि अखीर है, कि वो कैसे ह्यूमैनिटी को सिंबलाइज करने की कोशिश में रैशनल एक्सप्लेनेशन को लेके आता है। दीज अटेम्प्ट्स विच कैमो बिलीव्ड फ्यूटाइल एग्जाम्पलीफाई द एब्सर्डिटी कैमो आउटलाइंड इन हिज फिलोसफी। यही उसकी एब्सर्डिटी की फिलोसफी है। उसको पता ही नहीं है कि उसने कत्ल कर लिया है। क्रूसीफिक्स गॉड और द सन द होली गोस्ट, इसके जो ट्रिनिटी है उसके ऊपर भी उसका कोई ख़ास जो है ना यकीन और एतमाद है ही नहीं है। वो खुदा को कुछ समझता ही नहीं है। द क्रूसीफिक्स दैट द एग्जामिनिंग मैजिस्ट्रेट वेव्स एट मैसो सिम्बलाइज क्रिश्चियनिटी विच स्टैंड्स इन अपोजिशन टू कैमो एब्सर्डिस्ट वर्ल्ड व्यू। अमल उसका कुछ भी नहीं है। वेयर हैज एब्सर्डिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ इज इरेशनल एंड पर्पसलेस। वो कहते हैं इरेशनल है ज़िंदगी और इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी कंसीव्स ऑफ अ रैशनल ऑर्डर फॉर द यूनिवर्स बेस्ड ऑन गॉड्स क्रिएशन एंड डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इन्वेस्ट ह्यूमन लाइफ विद हायर मेटाफिजिकल मीनिंग। ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं आपके चैप्टर के लिए। द क्रूसीफिक्स वो जो ट्रिनिटी है, और ये है कि अपने गवाही देने के उसका ईमान है, यकीन है, बिलीफ है, वो इसकी तरफ आ ही नहीं रहा। आसो सिंबलाइजेस रैशनल बिलीफ स्ट्रक्चर्स इन जनरल। जनरल में है, हर इंसान उसके ऊपर बिलीव रखता है जो भी अपने ईमान को पुख्ता रखना चाहता है, लेकिन एल्बर्ट कैमो में नहीं है। The chaplain instances that Maso's turn to God does not necessarily represent a desire that Maso accepts specifically Christian beliefs so much as a desire that he embraced the principle of a meaningless, meaningful universe in general. When Maso defies the magistrate by rejecting Christianity, he implicitly rejects all system that seek to define a rational order within human existence. जब उसने अपने मजहब से ही किनारा कर लिया, it is a universal approach. हम क्रिश्चियनिटी की जगह पे कोई भी मजहब रख लेते हैं। जब इंसान अपनी बेसिक रियलिटी से ही दूर हो जाता है, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे अजीबो गरीब स्ट्रेंजर को अपनी लाइफ से आउटसाइडर के तौर पे कंसीडर करके सोसाइटी से किक आउट कर दिया जाता है। दिस डेफियंस कॉजेस मैसोस टू बी ब्रांडेड अ थ्रेट टू सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाता है इस तरह के अमाल से, इस तरह के अफराद से। दे आर नॉट फिट इन दिस सोशल ऑर्डर इन दिस सोसाइटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। अभी हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस वगैरह